नमस्कार साथियों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जहां पर साथियों आपको बता दें कि चंद्रयान 3 जो मिशन के लैंडर के चंद्रमा की सतह पर उतरने के समय में बदलाव किया गया है। साथियों पूरी जानकारी देंगे, विस्तार से देखिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हर महत्वपूर्ण खबरें मिलती रहेगी। आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के जो लैंडर के चंद्रमा की सतह पर उतरने के समय में बदलाव किया है, और ये जो मून लैंडर पहले चांद पर शाम 5:47 पर उतरने वाला था, लेकिन इसरो ने समय में बदलाव करते हुए अब 23 अगस्त को 17 मिनट देरी से यानी कि शाम 6:54 पर चांद की सतह पर इसे उतारेगा। इसरो ने साथ ही बताया कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग का कई प्लॉट जो प्लेटफॉर्म पर सीधा प्रसारण किया जाएगा, और आपको बता दें कि जो कह सकते हैं कि उतरने के लिए समतल जगह तलाश कर रहा है, जहां पर चंद्रयान 3 की आसानी से समझिए कैसी होगी लैंडिंग, पूरी जानकारी देंगे, विस्तार से देखेगा। आपको बता दें कि इसरो ने रविवार को कहा कि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से युक्त लैंडर जो मॉड्यूल के 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर उतरने की उम्मीद है, और इससे पहले इसरो ने कहा था कि मॉड्यूल 23 अगस्त को शाम 5:47 पर जो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। जहाँ पर इसरो ने इसके साथ ही कहा कि जो उपलब्धि भारतीय वैज्ञानिक इंजीनियर प्रौद्योगिक और उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगी, जो अंतरिक्ष अन्वेष में भारत की जो प्रगति का जो प्रतीक हो गया। वहीं पर पूरा देश चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग में सफल होते देखना चाहता है, और इसे महत्वपूर्ण घटना का सीधा प्रसारण 23 अगस्त 2023 को भारतीय जो समय अनुसार शाम 17:27 पर जो शुरू किया जाएगा। वहीं पर आपको बता दें कि साथियों जो सॉफ्ट लैंडिंग का सीधा प्रसारण इसरो की वेबसाइट, इसके यूट्यूब चैनल और इसरो के फेसबुक पेज और डीडी नेशनल टीवी चैनल सहित कई मंचों पर उपलब्ध होगा, और इसरो ने कहा कि चंद्रयान 3 की जो सॉफ्ट लैंडिंग एक यादगार क्षण होंगे, जो केवल जो जिज्ञासा को बढ़ाती है और बल्कि हमारे युवाओं के मन और अमनेस के लिए यानी कि जुनून भी जगाती है। साथ ही इस समय की बेहद बड़ी खबर है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हर महत्वपूर्ण खबरें मिलती रहेगी। धन्यवाद।